गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. इन हाइड्रो स्टार्ट चैप्टर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इन चैप्टर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक्स यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस. यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन. यूलर डायनेमिकल इक्वेशन आर गिवन बाय डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एफ माइनस वन अपॉन रो डेल पी. एफ इज एक्सटर्नल फोर्स, पी इज प्रेशर, क्यू इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल. कार्टेशियन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना हो, क्लियर होगा सभी को, लर्न होंगी इक्वेशन. कार्टेशियन फॉर्म ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस आर थ्री इक्वेशंस थी, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो. इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, यू की जगह यू को वी से रिप्लेस कर दोगे एंड देन डब्ल्यू से रिप्लेस करोगे. तो इस तरह से तीनों इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगे. तो ये यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म. देन डेरिवेशन था अपना. नेक्स्ट यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस जो हैं इनको फोर्स पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. एफ इक्वल टू माइनस डेल वी, वी इज कॉल्ड फोर्स पोटेंशियल. तो उस केस में एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड. तो इसके अकॉर्डिंग यूलर डायनेमिकल इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ फोर्स पोटेंशियल. नेक्स्ट इसका मेन रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट अपना था वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना. यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म, डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्या था यहाँ पर, क्यू डॉट डेल इनटू वेक्टर क्यू इक्वल टू एफ माइनस वन अपॉन रो डेल पी. फिफ्थ नेक्स्ट इसमें आप लोगों को बताया था रोटेशनल केस में यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग डायनेमिकल इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, डेल क्यू अपॉन डेल टी माइनस ट्वाइस क्यू क्रॉस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बी द रोटेशन वेक्टर ऑफ रोटेशन, वेक्टर ऑफ रोटेशन देन ओमेगा बी वेक्टर रोटेशन देन क्यू इक्वल टू टू ओमेगा, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड क्या था अपना, माइनस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या डेल भी ले सकते हो इसकी जगह ग्रेडियंट. और क्या क्या टर्म्स थी, वन बाई टू क्यू स्क्वायर प्लस कैपिटल वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो, डी पी पी कैपिटल, डी पी अपॉन रो कैपिटल p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d स्मॉल p रो, ठीक है. तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, p की वैल्यू कैपिटल p की वैल्यू में यहाँ स्मॉल p आएगा और मेन जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पर कैपिटल p आएगा. तो ये स्टेटमेंट सब लर्न होने चाहिए सभी को. तो डेल q अपॉन डेल t माइनस टू क्यू क्रॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस डेल हाफ क्यू स्क्वायर प्लस वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो. इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के लिए रो कांस्टेंट होगा, ठीक है, रो कांस्टेंट होगा देन इसको बाहर ले सकते हो. तो ये पी अपॉन रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट डेरिवेशन डिस्कस किया था इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस. इसमें डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट था वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है. फॉर स्टेडी मोशन, स्टेडी मोशन के लिए टी के रिस्पेक्ट में जो भी डिफरेंशिएशन है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी अकॉर्डिंग टू एनी फंक्शन विद इक्वल टू जीरो. तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा. तो देन यूलर डायनेमिकल इक्वेशन वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के लिए रो कॉन्स्टेंट रहेगा. तो इस केस में ये टर्म जो है ये पी अपॉन रो में चेंज हो जाएगा. तो वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर
प्लस बी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। नेक्स्ट देखो, इसमें छोटी सी थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम। देखो बर्नौली थ्योरम, वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर स्टेडी मोशन। स्टेडी मोशन का मीन्स क्या है कि वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम टी, मीन्स टी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन है वो इक्वल टू जीरो होगा। तो उस केस में इक्वेशन इस फॉर्म में आई थी अपनी, वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही अपना बर्नौली थ्योरम है, स्टेडी मोशन विच इज़ नॉट इरोटेशनल, जो कि जो रोटेशनल नहीं हो। वी इज फोर्स पोटेंशियल सच दैट एक्सटर्नल फोर्सेज आर डेरिवेबल फ्रॉम वी, देन वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट इसमें थर्ड जो पॉइंट था अपना, यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस फॉर रोटेशन मोशन, अभी बताया था डेल डेल क्यू अपॉन डेल टी माइनस टू क्यू क्रॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। इस स्टेटमेंट को लेते हुए इसको प्रूव करेंगे। स्टेडी मोशन मीन्स दिस टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो फॉर स्टेडी मोशन। तो इस केस में माइनस माइनस थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और ये इक्वेशन आएगी टू क्यू क्रॉस ओमेगा इक्वल टू ग्रेडियंट वी प्लस हाफ वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। डॉट प्रोडक्ट लो दोनों साइड क्यू से, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद क्यू, क्यू डॉट क्यू क्रॉस डब्ल्यू। इसी को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यू वेक्टर क्यू एंड वेक्टर डब्ल्यू, ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, क्यू से डॉट प्रोडक्ट लोगे और ये टर्न एज इट इज, ग्रेडियंट वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू कोई भी टू वैल्यूज यहाँ पर सेम हो, एंड इसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी। तो ये टर्म अपना जीरो हो जाएगा, या ये कहें कि क्यू डॉट क्यू क्रॉस डब्ल्यू, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये एज इट इज। दिस टर्म इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी है क्यू पार्टिकल, वेलोसिटी नहीं होगी, मूविंग पोजिशन में नहीं होगा, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेडियंट वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेल डिफ्रेंसिएशन की तरह बिहेव करता है, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स इक्वल टू जीरो लो, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी फॉर्म में ये अपनी बर्नौली थ्योरम है। तो इसमें जो ये थर्ड पॉइंट है इसको लेते हुए भी बर्नौली थ्योरम, इसको लेते हुए और फिर इसको प्रूव करोगे। सिंपल इसमें कुछ नहीं है, स्टेडी मोशन के लिए ये जीरो हो जाएगा, क्यू से डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्यू से डॉट प्रोडक्ट लेंगे मीन्स ये दो वैल्यूज यहाँ पर सेम हो रही हैं, तो ये टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस टर्म इक्वल टू जीरो, एंड वी टेक इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देन वी गेट वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कह रहा है ये, स्टीम इज रसिंग फ्रॉम अ बॉयलर थ्रू अ कैनोनिकल पाइप, ये कोई भी कैनोनिकल पाइप है। ठीक है, इसके ये दो ये एंड पॉइंट्स हो गए, ये हो गया और ये यहाँ से ये हो गया। स्टीम क्लियर है सभी को, भाप। ठीक है, रसिंग मीन्स निकलना,
स्टीम इज रसिंग फ्रॉम अ बॉयलर थ्रू अ कैनोनिकल पाइप द डायमीटर्स ऑफ द एंड ऑफ द विच आर, इसके जो डायमीटर हैं, ये जो अपने कैनोनिकल पाइप है तो इसके ये डायमीटर क्या दिया हुआ है, इसका कैपिटल डी और इसका स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. इफ़ कैपिटल वी एंड स्मॉल वी बी द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, इसमें से जो स्ट्रीम पास हो रही है उसका वेलोसिटी कैपिटल वी और इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी, ठीक है, नेमिंग इनको देना चाहो तो ये ए बी हो गया और ये ए डैश बी डैश हो गया. नेक्स्ट देखो, इफ द मोशन बी सपोज टू बी दैट ऑफ डाइवर्जेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ कोन दैट motion to be that divergence from the vertex of the cone, prove that small v upon capital V equal to capital D square upon small d square e raised to the power V square minus capital V square upon 2k. तो ये जो टर्म है ये e raised to the power में है, ठीक है, यहाँ पर k क्या दिया हुआ है, k is the pressure divided by the density. तो k क्या हो गया, k pressure divided by the density. तो k equal to p upon rho. इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट गिवन है, तो अपने को ये प्रूव करना है स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी की वैल्यू ये है, ठीक है, ये कैनोनिकल पाइप है, ये हो गया, ठीक है. सपोज ये कोई भी पॉइंट पी है, ये ओ पॉइंट है, ये इसका जो है इस पॉइंट पर ये डाइवर्ज कर रहा है इस तरह से, नहीं भी लोगे तो इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सपोज ये कोई भी स्टीम जो है वो पास हो रही है तो पार्टिकल जो है पी पोजिशन पे है, तो ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है, इसका प्रेशर पी और इस डेंसिटी क्या मान लिया स्मॉल यू, कैपिटल वी और स्मॉल वी यहाँ पर है, इसकी डेंसिटी सॉरी वेलोसिटी स्मॉल यू, ठीक है, तो प्रेशर हो गया और ये वेलोसिटी हो गई और ओ पी डिस्टेंस जो है वो आर हो गई, ये ए बी इसका कॉर्नर हो गया और ये ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है. रो वन बी द डेंसिटी ऑफ ए बी एंड रो टू बी द डेंसिटी ऑफ दिस एरिया, इसकी डेंसिटी रो वन, इसकी डेंसिटी रो टू और ये जो पार्टिकल है इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, ठीक. तो ये चीज़ें गिवन है, के इक्वल टू पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है, ठीक है. पी बी द पॉइंट ऑफ अ फ्लूड सच दैट ओ पी इक्वल टू आर यू, वेलोसिटी एट द पॉइंट पी, प्रेशर एट द पॉइंट पी एंड रो बी द डेंसिटी एट द पॉइंट पी, ठीक है. सभी चीज़ें क्लियर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो डिस्क्राइब करोगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इन पाइप्स का जो मास है वो इक्वल होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो मास जो है वो इक्वल होगा. अब इनका मास फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब ये एरिया गिवन है, इस एरिया के अकॉर्डिंग मास फाइंड आउट करना है. तो एरिया जहाँ पर भी हो उसमें क्या बताया था, मास के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया, ठीक है. तो ये जो पाइप है अपना, इसकी डेंसिटी क्या है, रो वन है, वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी है, ठीक है. इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है. एरिया तो डायमीटर दिया हुआ है इसका कैपिटल, कैपिटल डी डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डी अपॉन टू हो जाएगी इस एरिया की, ठीक है. ये एज अ सर्किल का जो एरिया होता है वो किस फॉर्म में होता है, पाई आर, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो डायमीटर गिवन है तो इस केस में यहाँ पर एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करोगे पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी, डी अपॉन टू. तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये तो ये जो है ए बी कैनोनिकल जो पाइप है उसका ये वाला पार्ट जो है ए बी उसका, उसके लिए मास ये हो गया इक्वल टू. इसके लिए फाइंड आउट करो तो इसके लिए डेंसिटी रो टू है, ठीक है, वेलोसिटी स्मॉल वी है, एरिया वही पाई आर स्क्वायर. अब इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल डी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डी अपॉन टू, तो पाई आर स्क्वायर, तो मीन्स पाई इंटू डी अपॉन टू का होल स्क्वायर. मीन्स ये एक तरह से इसको सर्किल के उसमें लेते हुए, बिकॉज यहाँ पर डायमीटर गिवन है इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का यूज किया, तो
तो सबसे फर्स्ट तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करके यहाँ पर रो वन अपॉन रो टू फाइंड आउट करोगे। अब देखो पाई तो कैंसिल हो रहा है, ये टू स्क्वायर फोर और इधर फोर, तो फोर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रो वन अपॉन रो टू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसका यूज नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे, वहाँ रो वन अपॉन टू आएगा, तो रो वन अपॉन रो टू आएगा, तो यहाँ से वैल्यू इसको वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रो वन अपॉन रो टू क्या हो जाएगा, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इन टू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे इस पॉइंट पर कि ये ओपी डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होगी। तो इसमें एक ही डायरेक्शन, जैसे एक्स वाई जेड थ्री डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप लोगों को क्लियर है, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स बताया था यहाँ पर फर्स्ट, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, इसी तरह से वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या वेलोसिटीज वी और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ओ पी इक्वल टू आर, ठीक है, ओनली अपने पास एक ही डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर। ठीक है, वन डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग स्टीम जो है वो पास हो रही है कैनोनिकल पाइप में से, तो इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करोगे। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर। फॉर स्टेडी मोशन डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। स्टडी मोशन के लिए क्या है कि जो भी वेरिएबल या क्वांटिटी है उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, तो यहाँ से ये टर्म जीरो हो जाएगी, यू डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर। अब इसको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व कर सकते हो, यू डेल यू इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो डेल पी से फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि k इक्वल टू p प्रेशर अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ से p इक्वल टू k अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो 1 अपॉन रो डेल और p जो है वो हो जाएगा k इंटू रो, ये कांस्टेंट है तो k और डेल रो अपॉन रो। ठीक है, u डेल u ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स इंटीग्रेट करोगे तो यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस के लॉग आर प्लस के लॉग सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में ले लो, इससे सॉल्यूशन में इजी रहेगा। यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस के कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा लॉग आर माइनस लॉग सी, आर नहीं ये रो लो यहाँ पे, ठीक है लॉग रो, यहाँ पर रो अपॉन सी, देखो यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करो अदरवाइज प्रूव नहीं होगा, माइनस के कॉमन आ गया दोनों में, तो ये हो जाएगा लॉग रो प्लस रो सी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कुछ भी ले सकते हो, इसको रो इंटू सी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस के एज इट इज यू स्क्वायर अपॉन टू रो लॉग रो इंटू सी इक्वल टू ये हो जाएगा के से डिवाइड करोगे टू के। ठीक है, तो रो इंटू सी इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एंटी लॉग ले लो दोनों साइड माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू के, ये इक्वेशन आ गई। तो ये तो अपनी इक्वेशन आई है किसी भी पॉइंट पी पर। ठीक है, अब एट द एरिया ए बी एंड एट द एरिया ए डैश बी डैश, कैनोनिकल पाइप के जो ए बी और ए डैश बी डैश एरिया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन इजीली बता सकते हो, डेंसिटी क्या है ए बी पर, रो वन सी इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस
वी स्क्वायर अपॉन टू के, ठीक है। और ये हो जाएगा रो टू सी इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस यू स्क्वायर है वहाँ पर वेलोसिटी, यू नहीं सॉरी ये कैपिटल वी और ये स्मॉल वी, यू तो वेलोसिटी किस पॉइंट पर थी, पी पॉइंट पर थी, कैपिटल वी और स्मॉल वी अपॉन टू के, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बोथ इक्वेशंस देन वी गेट रो वन अपॉन रो टू, ठीक है। अब ये यहाँ पर रो वन अपॉन रो टू की इक्वेशन रो वैल्यू यूज होगी जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फाइंड आउट की थी सबसे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये e रेस टू द पावर डिवाइड करोगे तो वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन टू के, ठीक है, डिवाइड करोगे ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इजीली सॉल्व कर सकते हो सभी, इसकी वैल्यू पुट कर दो और फिर जो प्रूव करना है वो अपना प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे 1-2 टाइम क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रो वन अपॉन रो टू की वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। तो इससे स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर इन टू ई रेस टू द पावर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के, ठीक है, यही प्रूव करना था अपने को। तो बर्नौली थ्योरम एंड एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब सभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे।